आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालें। अपन को जो फलन दे रखा है वो दे रखा है टेन एक्स बराबर दे रखा है एक्स थीटा अपॉन टू दे रखा है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो अपना फलन दे रखा है उसको लिखते हैं। वो क्या है, देखो अपना एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर लिख देते हैं उसको टेन एक्स थीटा बटे दो। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो टेन पाई अपॉन 180 गुणा, अब क्या आ सकता है, एक्स बटे दो आएगा, ठीक है। अपन को ये लिख सकते हैं इसको, तो ये अपना कितना बन गया, देखो इसको क्या दो बार गुणा हो गया तो 360 बन गया ये। तो अपना क्या बन गया फलन, वो बन गया टेन, बन गया पाई अपॉन 360 गुणा एक्स। ये अपना जो फंक्शन है एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो मान है, इस मान को अपन क्या मान सकते हैं, अपन वाई मान सकते हैं। तो माना क्या, देखो पाई अपॉन 360 गुणा एक्स बराबर अपन ने वाई मान लिया। अब जो समीकरण अपन ने मानना है उसका क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, देखो ये तो स्थिरांक है तो ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तीन पाई बटे 360, ठीक है। अब ये डिग्री में है, नीचे पाई बटे 360 आ गया, और एक्स का क्या बन गया, डी एक्स बराबर आ गया डी वाई के। तो अपना देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, वो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया अपना, वो आ गया पाई अपॉन 360 डिग्री। ये अपन लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स अपना, ये आ गया, ठीक। अब अपन आगे क्या करते हैं, देखो अब जो अपना फलन है जो f, अब जो y का बन चुका है, f ऑफ y कितना बन गया, टेन वाई, ठीक है। और अपन को बोला कि प्रथम सिद्धांत से इसका अवकल निकालना है। वो क्या होता है, देखो जो कोई फंक्शन अपन को एफ एक्स दे रखा है तो उसका क्या होता है, एफ डेस एक्स, मतलब उसका अवकलन होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच, ये उसका क्या होता है, अवकलन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन यहाँ पे रखते हैं, तो क्या आएगा, देखो अपना एफ डेस वाई बराबर आ गया एफ डेस एफ एक्स वाई प्लस एच माइनस में क्या जाएगा एफ ऑफ वाई आ गया, और अपॉन में क्या जाएगा इसका एच आ जाएगा, ठीक। ये आ गया, अब अपन मान रखते जाते तो क्या आएगा, देखो एफ डेस वाई आ गया, वो आ गया अपना लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो टेन वाई प्लस एच आ गया माइनस टेन वाई अपॉन में क्या आ गया एच आ गया, ठीक। अब अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि साइन में रूट में कोस में बदलते हैं, तो क्या आएगा, देखो एफ डेस वाई आ गया, वो आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब ये बन गया साइन वाई प्लस एच अपॉन में क्या जाएगा, देखो इसके कोस क्या जाएगा वाई प्लस एच माइनस क्या बन गया इसका साइन वाई, और अपॉन में क्या जाएगा कोस वाई, और अपॉन में क्या जाएगा इसका एच आ गया, ठीक है। ये आ गया, अब अपन क्या करते हैं इसका एफ डेस एक्स निकालते हैं। तो एफ डेस अब वाई आएगा, वो क्या आएगा, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इनका क्या करते हैं अपन लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेने से अपना क्या बनेगा, देखो कोस वाई गुणा में क्या जाएगा कोस वाई प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। अब ये किया तो अपना क्या बन गया, देखो साइन वाई प्लस एच गुणा में क्या आएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, और गुणा में क्या जाएगा अपने आ जाएगा कोस वाई प्लस एच, ठीक है। ये आ गया, और अपन में एच था वो एच आ गया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, वो अपना बन रहा है देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये ऊपर वाला। तो अपन लिखते हैं जो आएगा, जो एफ डैश वाई आएगा वो आएगा देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये क्या बन गया, देखो साइन y प्लस एच माइनस वाई अपॉन में क्या आ गया, देखो h, और क्या आ गया cos y, और गुणा में क्या है उसके उसके गुणा में है cos y प्लस एच, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अब अपन लिमिट का मान रखते हैं तो क्या आएगा, देखो f डेस y आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन h गुणा में क्या आएगा एक बटे दो cos y, और अपॉन में क्या आ गया देखो उसके साथ में क्या आएगा cos y प्लस h, ठीक है। अब हम करते हैं, अपन जानते हैं इसका मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है जब लिमिट एच बराबर जीरो होती है। और ये अपना क्या आया, देखो एफ वाई में आया, लेकिन अपन को एफ डेस एक्स निकालना था, तो अपन इसको बदलते तो क्या आएगा, देखो एफ डेस एक्स आएगा, वो क्या आएगा देखो अपना उसको मान रखते हैं तो वो क्या आएगा, देखो लिमिट लगाए तो ये बन गया अपना वन अपॉन कोस वाई और गुणा में कोस वाई, तो क्या बन गया कोस स्क्वायर वाई। अब इसको वाई को लिख देते हैं क्या, डी वाई वाई डी एक्स कर देते हैं इससे, क्योंकि एक्स में बदला है ना अपन ने, एक्स में बदला तो डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। इसमें देखो ये क्या बन गया अपना एफ डेस एक्स बन चुका है, इसको लिख सकते हैं अपन वन अपॉन कोस को अपन सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, और गुणा में क्या देखो अपना जो डी वाई अपॉन क्या आ गया वो डी एक्स आ गया। अब देखो अपन ने ऊपर निकाला था डी वाई अपॉन जो डी एक्स है वो अपना किसके बराबर आ रहा है, देखो वो अपने पाई अपॉन 360 डिग्री अपन ने ऊपर शुरुआत में निकाला था, तो वो अपन मान रखते हैं यहाँ पे। और अपन ने जो शुरुआत में ये भी माना था कि वाई बराबर क्या है, देखो एक्स थीटा बटे दो है, ये भी माना था, तो अपन वो भी मान रखते हैं समीकरण में। तो क्या बनेगा, देखो बन गया एफ डेस एक्स बराबर बन गया
सेक स्क्वायर। अब वाई की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स थीटा अपॉन टू, और गुणा में कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 360 डिग्री। तो क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।